ये पॉडकास्ट कैप्टन आयुष प्रशारता फाउंडेशन द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। आयुषवाणी कैफ में आपका स्वागत है। मैं रितु, आज मैं हेपेटाइटिस बी के बारे में आप तक कुछ बात साझा करने आई। पूरी दुनिया में 28 जुलाई ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा। इस दिन ने मनाने का मकसद लोगों ने इस बीमारी के प्रति जागरूक करना हो है। हेपेटाइटिस बी में वायरस की वजह से लिवर में इन्फेक्शन हो जा है। लिवर में इन्फेक्शन की वजह से कई गंभीर बीमारी जिस तरह लिवर कैंसर, लिवर खराब होना और यहाँ तक की मौत का खतरा भी हो है। हेपेटाइटिस कई तरह का हो है और हर एक वजह से शरीर में अलग अलग समस्याओं हैं। हेपेटाइटिस की वजह से पूरी दुनिया में हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाए है। इसकी गंभीरता ने देखते हुए WHO ने 2030 तक इस इन्फेक्शन ने खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ज्यादातर लोग वायरस हेपेटाइटिस से संक्रमित हैं, पर जानकारी के अभाव में इसके लक्षण ने नजरअंदाज कर दे है। हेपेटाइटिस दो तरह का हो है, एक अक्यूट और दूसरा क्रोनिक। शुरुआत के 6 महीने में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ने अक्यूट मान के चले। सही इलाज से ज्यादातर लोग 6 महीने में ठीक हो जाए हैं, पर अगर 6 महीने के बाद भी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती हो तो यो क्रोनिक में बदल जा है। इसकी वजह से लिवर सोरासिस और लिवर कैंसर की संभावना बढ़ जा है। इब देख ले हैं कि हेपेटाइटिस बी के फैलन के लक्षण के। एक्यूट हेपेटाइटिस आमतौर पर शुरुआती संक्रमण से लगभग 12 हफ्ते बाद होने वाले पीलिया से शुरू हो। पीलिए के लक्षण के अलावा मरीज ने उल्टी आना, जी मिचलाना, पेट दर्द होना और जोड़ों मांसपेशियों में दर्द होना महसूस हो सके है। वहीं क्रोनिक हेपेटाइटिस में मरीज ने उल्टी आना, भूख न लगना, ज्यादा थकावट महसूस होना और पेट के ऊपर दाई तरफ तेज दर्द होना और जोड़ों में दर्द होना जैसे लक्षण महसूस हो है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर मरीज में ये लक्षण महसूस हो। अब देखते हैं कि भाई ये होता कैसे है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन जो एक आदमी से दूसरे आदमी के संपर्क में आने की वजह से वो है। असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित व्यक्ति की किसी चीज का इस्तेमाल करने से भी हो सके है। संक्रमित मात है या नवजात शिशु में भी हो सके है। हालांकि हेपेटाइटिस बी किस कारण से, खांसी कारण से, छींक कारण से या फिर हाथ मिलाने से नहीं फैलता। ब्लड टेस्ट के जरिए हेपेटाइटिस बी का पता लगाया जा सके है। तो अब देखते हैं इसके बचाव कैसे हो सकता है। हेपेटाइटिस बी से बचाव का सबसे बढ़िया कारगर उपाय है वैक्सीन लगवाना। यो सुरक्षित होने के साथ साथ बहुत असरदार भी है। अगर आपने इसकी वैक्सीन नहीं लगवाई है और आप इस वायरस के संपर्क में आ गए हो तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क करो। डॉक्टर आपने एंटीबॉडीज ताही कुछ इंजेक्शन दे सके हैं। इससे इन्फेक्शन शरीर में फैलने से रोका जा सके। हेपेटाइटिस बी में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। कभी भी टूथब्रश या शेविंग रेजर जैसी पर्सनल इस्तेमाल की चीज एक दूसरे से शेयर नहीं करनी। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचें। अगर टैटू बनवा रहे हो तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखना। जो लोग इस वायरस के संपर्क में आ गए हैं तो दवाइयां के साथ साथ खान पान पे भी पूरा ध्यान दो। खूब सारे तरल पदार्थ, हेल्दी डाइट लो ताकि शरीर के अंदर ते संक्रमण ने लड़न की शक्ति मिल सके। लीवर ने नुकसान ते बचान ताई अल्कोहल का सेवन कति बंद कर दो। और अगर हर्बल इलाज करवा भी रहे हो तो अपने डॉक्टर ने इसकी जानकारी जरूर दो, क्योंकि कई बार देसी चीजें भी लीवर की सूजन ने बढ़ा दे हैं। तो ये थी कुछ हेपेटाइटिस बी ते संबंधित कुछ जानकारी। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपने पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी कुछ और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तो बने रहिए कैफ फाउंडेशन के साथ। मैं आपकी रितु। ये पॉडकास्ट कैप्टन आयुष प्रशारता फाउंडेशन द्वारा रिकॉर्ड किया गया है।